ये देखो भाई, ये देखो वो गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। अरे इसको उठाओ, उसको उठाओ, लड़ाई मत करो। चलो चलो मैडम, कोई बात नहीं, किसी घुसने नहीं दे रहा है भाई। चाचा वो गेट खुला हुआ है, वहां से निकल जाओ ना। ये देखो भाई, गेट को देखो भाई, साहब साचे दरबार की। सारे माता के भगत बैठे ट्रेन में, क्यों भाई साहब? आओ भाई, आओ आओ, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो। चलो चलो चलो, ये रख दो, ये रख दो उसमें। भीड़ देख लो एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और मगध एक्सप्रेस अभी अभी आई है। हाल देख लो एक बार मगध एक्सप्रेस का, ये देखो। आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है उत्तर संपर्क क्रांति में, जो कि नई दिल्ली से चलती है माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और आपको बता देते हैं, आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है भाई जनरल क्लास के अंदर, वो भी भरी ठंड के अंदर। ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और अभी जो हम है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है, और अभी जाके जनरल का टिकट खरीद के और हम करते हैं उत्तर संपर्क क्रांति के जनरल कोच में अपना सफर। तो आइए चलते हैं। तो भाई ये आ गए हैं अपनी जनरल की टिकट लेने के लिए, और लाइन देख लो एक बार, भीड़ देख लो, का जबरदस्त लग रही है आज भाई। ट्रेन में सीट मिलेगी भी नहीं मिलेगी कुछ नहीं। देखो यहाँ एक टिकट के ऊपर 50 रुपये रख के टिकट दे रहे हैं जनरल वालों को। ये देख लो भाई, ये कहानी चल रही है इधर। और भाई भीड़ देख लो कितनी हो रही है, जितनी मशीन सारी ख़राब है। जो मशीन चल रही है उसके अंदर, और जो मशीन चल रही है उसके अंदर बंदे खड़े हैं, और वो मांग रहे हैं पूरे 50 रुपये एक्स्ट्रा एक टिकट पे। भीड़ देख लो एक बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और मगध एक्सप्रेस अभी अभी आई है। और हाल देख लो एक बार मगध एक्सप्रेस का, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये पूरी वहां से रास्ता। अरे चचा क्या करके मानोगे? अरे ओ चचा, वो गेट खुला हुआ है, वहां से निकल जाओ ना। ये देखो भाई, गेट को देखो भाई साहब, मगध लगी है अभी अभी। और हाल देख लो एक बार, ये देख लो भाई, भाई ये देख लो, ये है पूरी माता वैष्णो देवी जाने के लिए भीड़। एवा भीड़ देख लो, नए साल पे कितने लोग माता वैष्णो देवी जा रहे हैं जनरल टिकट लेने लेके। ये देखो भाई, होगा तमाशा, देखो स्टार्ट। ये देखो भाई, ये ट्रेन आ गई है लगने के लिए स्टेशन पे। ये लो भाई, ये आ गई गाड़ी अपनी उत्तर संपर्क क्रांति। और देख लो भाई, भीड़ देख लो, घेर लिया, घेर लिया, घेर। ये देखो भाई, ये देखो, वो गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। अरे इसको उठाओ, उसको उठाओ, इसको उठाओ, उसको उठाओ, इधर आ जा, इधर आ जा। देखो भाई, अरे आराम से, आराम से। देखो भाई साहब क्या हाल है भाई, ये देखो सीट तो मिल चुकी है एक, ये एक, ये और भाई सीट मिल गई है पूरी कंफर्म। ये देखो भाई, सीट पूरी हो गई अपनी पक्का। ये है अपनी उत्तर संपर्क क्रांति, जो कि चलेगी यहाँ से 9:40 पे। आ जाओ भैया, भागो भागो। ये देखो भाई, किसी का मफलर रह गया तो किसी का क्या रह गया। ये देखो भाई साहब, लो जी, चलो चलो चलो, आराम आराम से चलो चलो। देखो भाई साहब, उत्तर संपर्क क्रांति का हाल देख लो एक बार। आज मैडम आओगे कैसे, आपके साथ कौन है? उठाओ ना भैया आप। ये देखो भाई साहब, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। आओ भाई, आओ आओ, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो उस पे। चलो चलो चलो, ये रख दो, ये रख दो उस पे, उस पे, उस पे। ये देखो भाई साहब, अरे अभी अंदर घुसते हैं ना भाई। ये देखना भाई, बैग हटा लो थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा बैग हटा लो भाई यार। ये देख लो भाई, भीड़ इसमें वैष्णो देवी की है। बोल साचे दरबार की जय करो शेर वाली दा, बोल साचे दरबार की। लो भाई, सारे माता के भगत बैठे ट्रेन में, क्यों भाई साहब? तुम्हारा बुलावा नहीं आया क्या? इस भाई का बुलावा नहीं आया। और हाँ भाई, अगर नए साल पे आप भी सोच रहे हैं माता के दरबार में जाना, और आपके पास जब टिकट नहीं है कंफर्म, तो यही हालत होगी भाई साहब, ध्यान रखना। आओ जी आओ, बात बता, सुन ले। चलो भाई चलो चलो, अरे कोई नहीं, लड़ाई वड़ाई मत करो। चलो चलो मैडम, कोई बात नहीं, किसी घुसने नहीं दे रहा भाई, ट्रेन नहीं है। क्या करता है ये? ठीक है, कह रहा हूँ मैं। ये देखो भाई साहब,
ओ तेरी ऐसी की, आओ जी आओ आओ। हाँ भाई साहब, लो भाई लो, आराम से मैडम आराम से। चलो 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 भाई, चलो 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 चलो। तो भाई निकल गए नई दिल्ली से, लो भाई। लो जी प्रॉपर मोबाइल चोर है ना। गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई है कोरे से, ये देखो। तो भाई देख लो क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे, बिल्कुल धुंधी धुंधा है और ट्रेन बिल्कुल स्लो चल रही है, और इसी कारण जो आजकल ट्रेनें लेट हो रही है वो इसी कारण ट्रेन लेट हो रही है। देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा भाई, सामने सिग्नल तक नहीं दिख रहा, हालत देख लो भाई क्या हो रहा है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा, इतना ही दूर का नहीं दिख रहा भाई। और लो भाई पहुंच चुके हैं पानीपत रेलवे स्टेशन पर, और देख लो भाई पानीपत रेलवे स्टेशन पर पब्लिक इस तरफ से चढ़ने के लिए तैयार है, इस तरफ से चढ़ने के लिए, क्योंकि भीड़ इतनी है भाई। देखो देखो पब्लिक देखो, दम 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 मार रही है, दम 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 मार रही है दरवाजों पे, और इतनी भीड़ है भाई कि हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है। और अभी अपना पानीपत रेलवे स्टेशन जो है भाई उस तरफ आया हुआ है, और जनरल के अंदर मेरी सीट है और वो भी कब्जा करी है बहुत मुश्किल से, और अगर उठ के जाऊँगा तो ये सीट भी चले जाएगी। तो भीड़ अभी भाई दबके पेटी पैक हो गई है गाड़ी अपनी, ये देखो भाई आवाज़ आ रही होगी, धम 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 धम, गेट बंद कर रखे हैं तभी धम 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 आवाज़ आ रही है, देख लो। और पानीपत में जितनी सवारी थी ना, आधी से ज़्यादा सवारी जो है वो पानीपत में ही रह गई है, क्योंकि भीड़ इतनी है कोई बंदा चढ़ ही नहीं पाया भाई। देख लो कोहरा के साथ साथ भीड़ भी दबके है, ये देखो। क्या बात है, बात क्या है, ये लो भाई, ये हाथापाई हो रही है, हाथापाई। बोल चाचे दरबार की, उत्तर संपर्क क्रांति की खतरनाक वाली ट्रेन यात्रा, देख लो कितना खतरनाक हो रहा है अभी इस टाइम पे, और इसी कोहरे के चक्कर में ट्रेनें लेट हो रही है कम से कम 12-12 घंटे, और भाई सामने लाल सिग्नल तक नहीं दिख रहा है। तो भाई अंदाजे चल रही है, जो ट्रेन चल रही है ना सब अंदाजे चल रही है और सेंसर से चल रही है, और कोहरा देखो फुल नमी वाला कोहरा है भाई, खतरनाक माहौल है इस टाइम। ये देखो भाई इधर, ये देखो कैसे उड़ रहा है कोहरा लाइट में, वाह। ये लो जी ये लो भाई, यहाँ माल उतरता है कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, कोहरा देखो एक बार, ट्रक खड़े हैं सामने बिल्कुल धुंध में दिख रहे हैं, क्या जबरदस्त कोहरा हो रहा है, और इतनी ठंड के साथ उत्तर संपर्क क्रांति का सफर। ये देखो भाई कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन जो बिल्कुल कोहरे से ढका हुआ है, देखो भाई बिल्कुल ढका हुआ है कोहरे से, ये देखो भाई। पूरे 2.5 घंटे की देरी से हम पहुंचे हैं अभी जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन, और आपको बता देता हूं जलंधर कैंट पहुंचना था 1:54 पे, और पूरे 2.5 घंटे के साथ 4:30 बजे हमारी गाड़ी पहुंची है जलंधर कैंट। और भाई जलंधर कैंट पे एक बार ये देख लो कितना कोहरा हो रहा है, सामने कुछ दिख नहीं रहा भाई, ये देखो पूरा फॉग फॉग हो रहा है, देखो भाई कुछ नहीं दिख रहा, इतनी ठंड हो रही है। तो हाँ भाई
ये वीडियो जो थी वो जलंधर कैंट तक की थी, और वीडियो आपको कैसी लगी, उत्तर संपर्क क्रांति की जर्नी आपको कैसी लगी जर्नल की, तो मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और ट्रेन जर्नी में, किसी और सफर के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद।